नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शुरुआत करते हैं कन्नौज कांड की खबर के साथ, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है, जहां नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने रेप का आरोप लगा दिया। तो वहीं पूरे मामले में पहले दिन से ही संदिग्ध भूमिका में रही पीड़िता की बुआ पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि इन सबसे अलग समाजवादी पार्टी से आरोपी नवाब के कनेक्शन पर सियासत भी खूब हो रही है, और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कन्नौज रेप कांड का बिगड़ैल नवाब सलाखों के पीछे है। कभी सपा के बिगड़ैल नवाब रहे आरोपी पर सियासत हो रही है। और अब उसी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने साथ रेप की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा जोड़ी है और अब डीएनए टेस्ट भी होगा। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उधर पुलिस ने पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में धारा जोड़ी है। पीड़िता की मां ने बुआ के खिलाफ भी शिकायत की थी। पुलिस ने बुआ को जांच के लिए बुलाया था, हालांकि वो जांच के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी, और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए दो मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी की भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए, किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि तीन चार लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है, और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। आरोपी नवाब यादव समाजवादी पार्टी का नेता रहा है, तो ऐसे में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी अखिलेश यादव को घेरते हुए समाजवादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी करार दे रही है, तो बचाव में सपा के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये दोनों यह पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, और ये लोग पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन करें। आपने आपको अलग कर दिया समाजवादी पार्टी का, वो हमारे नेता नहीं है। अरे, अलग करने से बच जाएंगे क्या? जो जग जाहिर है कि उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी बेरोजगार व्यक्ति हैं, विभाग मिला हुआ है, डिप्टी सीएम का पद मिला है, काम कोई योगी जी ने दिया नहीं है, इसलिए उल जलूल बोलते रहते हैं। वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, उन पे 18-18 मुकदमे थे, सरकार में आ गए तो उन्हें वापिस ले लिया, कोई कोर्ट ने तो उन्हें बरी किया नहीं, किसी अदालत से तो निर्दोष साबित हुए नहीं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग काम नहीं करते, केवल इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम और डीएनए टेस्ट की मांग पर पहले भी सियासत हुई और अब भी हो रही है, लेकिन इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार है, जिसकी सरकार से गुहार है। जिस तरह अयोध्या में मोहित के खिलाफ एक्शन हुआ, कुछ उसी तरह कन्नौज में भी दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।